ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततजाय मुदिरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी श्रीमद्भागवतम स्कंद सात अध्याय सात श्लोक संख्या 55। इस अध्याय के आज के श्लोक अंतिम श्लोक है। एतावान् एव लोके अस्मिन् पुंस स्वार्थ परस्मृत एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। श्लोक के शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ एतावान् इतना एव निश्चय ही लोके अस्मिन् इस भौतिक जगत में पुंसः जीव का स्व अर्थ असली हित परः दिव्य स्मृतः माना जाने वाला एकांत भक्ति अनन्य भक्ति गोविंदे गोविंद के प्रति यत् जो सर्वत्र सभी तरह तत् इक्षणम् गोविंद या कृष्ण के साथ संबंध को देखना। अनुवाद इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा और सर्वत्र उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन लक्ष्य है। जैसा कि समस्त शास्त्र में बतलाया गया है मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इतना ही है। कृपया आप सभी दोहराइए। इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा और सर्वत्र उनका दर्शन करना करना ही एकमात्र जीवन लक्ष्य है। जैसा कि समस्त शास्त्रों में बतलाया गया है मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इतना ही है। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्लोक की तात्पर्य इस श्लोक में आगत सर्वत्र तदीक्षणम शब्द भक्ति की चरम सिद्धि को बताते हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु गोविंद के चरण कमलों से संबंध दिखती है। अतएव उच्च भक्त महाभागवत कभी भी किसी वस्तु को गोविंद से असंबंध नहीं देखता। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। महाभागवत प्रत्येक चल तथा अचल वस्तु को देखता है लेकिन
वह उनके रूपों को ठीक उस तरह नहीं देखता, प्रत्युत वह जहाँ कहीं भी देखता है वहीं उसे परमेश्वर का रूप प्रकट दिखता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8वीं अध्याय 234वीं श्लोक में। यहाँ तक कि इस जगत में भी भक्त भौतिक रूप से प्रकट होने वाली वस्तुओं को नहीं देखता, इसके बदले में वह हर वस्तु में गोविंद के दर्शन करता है। जब कोई भक्त किसी वृक्ष या मनुष्य को देखता है तो वह उन्हें गोविंद से संबंधित देखता है। गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कहलाने वाले कृष्ण परम नियंता है, सच्चिदानंद रूप है, वे सबों के उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय पहला श्लोक। एक पूर्ण भक्त ही, भक्त की पहचान वही है कि वह इस ब्रह्मांड में गोविंद के सर्वत्र दर्शन करता है। यहाँ तक कि एक परमाणु में भी, अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम, भक्त की वही पूर्ण दृष्टि है। इसीलिए कहा गया है नारायणमयम धीरा पश्यन्ति परमार्थिनः जगद्धनमयम लुब्धा कामुका कामिनियम। भक्त हर एक को नारायण से संबंधित देखता है, नारायणमयम। प्रत्येक वस्तु नारायण की शक्ति का विस्तार है। जिस प्रकार लोभी को प्रत्येक वस्तु कमाई का साधन प्रतीत होती है और जिस प्रकार कामी को सारी वस्तु काम के लिए अनुकूल लगती है, उसी तरह परम पूर्ण भक्त प्रहलाद महाराज ने एक पत्थर के खम्भे के भीतर भी नारायण को देखा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी भ्रष्ट व्यक्ति द्वारा गढ़े गए दरिद्र नारायण शब्द को स्वीकार करें। वास्तव में जो नारायण का सर्वत्र दर्शन करता है वह दरिद्र तथा ध्वनि में कोई अंतर नहीं करता। दरिद्र नारायण को चुनना और ध्वनि नारायण का परित्याग भक्त की यह दृष्टि नहीं होती, प्रत्युत यह भौतिकतावादी व्यक्तियों की अपूर्ण दृष्टि है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अंगज्ञानं तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदं मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वादैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमायं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिस्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री मंगलाचरण की जय। हरे कृष्णा। समस्त धामवासी वैष्णव और उपस्थित भक्त वृंद से मैं क्षमा चाहूँगा, यद्यपि मुझ में यह योग्यता नहीं है, पर वैष्णवों के आदेश पालन करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। प्रह्लाद ने गर्भ में क्या सीखा, इस अध्याय के आज की यह श्लोक अंतिम श्लोक है। आज के श्लोक में एक महाभागवत के दृष्टिकोण तथा उनके लक्षणों का वर्णन हुआ है। नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं देवराज इंद्र को समक्ष जो कथा प्रह्लाद ने अपने दत्त साथियों को बताया कि प्रह्लाद महाराज जब माता के गर्भ में थे और देवराज इंद्र जब उन्हें बंदी बना कर ले जा रहे थे, तो उस समय नारद जी देवर्षि नारद देवराज इंद्र को ले जाने में रोके और उनको अपने आश्रम में ले गए। तो उस समय देवराज इंद्र को नारद जी ने जो कहा, उनसे प्रह्लाद महाराज माता के गर्भ में रहते हुए उन्होंने जो सीखा, जो नारद जी से उन्होंने जो सुना गर्भ में रहते समय, वही बात अपने दत्त मित्रों के साथ समक्ष बता रहे हैं। तो आज की यह श्लोक इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, जिसमें यह वर्णन की गई है एक महाभागवत तथा उत्तम अधिकारी व्यक्ति के दृष्टिकोण। श्रील प्रभुपाद श्लोक के तात्पर्य के प्रारंभ में ही चैतन्य चरितामृत के श्लोक को उद्धृत करते हुए यह बताते हैं, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। जो महाभागवत उत्तम अधिकारी व्यक्ति होते हैं उनके दृष्टिकोण इसी प्रकार होता है, यत्र यत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र ताहार है इष्ट देव, सर्वत्र है निज इष्टदेव स्फूर्ति। तो इनकी जो महाभागवत इनकी दृष्टिकोण वैसे होते हैं, ये जहाँ इनकी नज़र जाते हैं वहाँ पर वे अपने इष्टदेव तथा भगवान श्री कृष्ण गोविंद को, भगवान को उनको दिखता है, वो भगवान को दिखते हैं। तो इस भौतिक संसार में भौतिक वस्तुएं तथा भौतिक शरीरधारी प्राणियों या स्थावर जंगम जितने भी वस्तुएं हैं, वे किसी के बाह्य रूप को नहीं देखते। उसके बाह्य रूप जो फॉर्म, उसको वो नहीं देखते, पर प्रत्येक वस्तु में भगवान विराजमान है, हर प्राणियों में भगवान विराजमान है, उस भगवान को वो देखते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण और एक महाभागवत के दृष्टिकोण में यह अंतर यहाँ पर बताया गया। तो महाभागवत यानी भक्तों के कोई कोटियाँ हैं। श्रील रूप गोस्वामी जी श्री भक्ति रसामृत सिंधु में भक्त के तथा उपदेशामृत में
तीन कोटि के भक्तों का वर्णन किए हैं। यह भक्तों के यह श्रेणी विभाजन श्रील रूप गोस्वामी जी श्रद्धा तथा तत्व ज्ञान के आधार पर वे तीन श्रेणी के भक्तों के विभाजन किए हैं। यानी श्रद्धा का अर्थ श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में श्रद्धा शब्द को व्याख्या करते हुए बताते हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, श्रद्धा शब्द का अर्थ दृढ़ विश्वास। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्रद्धा शब्द को व्याख्या करते हुए बताते हैं, श्रद्धा यानी तीन वस्तुओं में श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा भगवान में, भगवान के भक्तों में और भगवान के वाणी में। ये तीन वस्तु में जिनकी दृढ़ श्रद्धा है उसे श्रद्धावान कहलाते हैं। श्रद्धावान का अर्थ जिनकी श्रद्धा विश्वास अटूट विश्वास ये तीन विषय में वस्तु में अटूट विश्वास होता है, भगवान में, भगवान के भक्तों में तथा भगवान के वाणी उपदेश निर्देशों में शास्त्रों में। ये तीन विषयों में जिनकी दृढ़ विश्वास है वो श्रद्धावान। श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बताते हैं, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धा के अनुसार ही एक भक्तों की श्रेणियों का विभाजन किया गया, श्रेणी उनके धरातल तथा उनके स्तर विभेद यह बताया गया है कि उनकी श्रद्धा किस धरातल के हैं। यानी श्रद्धा के धरातल के आधार पर यह बताया गया है। एक महाभागवत इनकी श्रद्धा ये तीनों विषयों में अत्यंत दृढ़ श्रद्धा है। तो यह भक्तों के जो श्रेणी विभाजन श्रद्धा तथा तत्व ज्ञान के आधार पर जो शास्त्र में बताया गया है, महाभागवत जो उत्तम अधिकारी होते हैं इनकी श्रद्धा भगवान के प्रति, भगवान के वाणी यानी शास्त्र और भगवान के भक्त, इसमें इतने दृढ़ श्रद्धा होती है किसी भी स्थिति में इनकी श्रद्धा शिथिल नहीं होती। पर अन्य दो जो कोटियों के भक्त है मध्यम अधिकारी या कनिष्ठ अधिकारी, इनकी श्रद्धा में तथा तत्व ज्ञान कृष्ण तत्व ज्ञान विषय में अंतर होते हैं। महाभागवत उत्तम अधिकारी व्यक्ति की श्रद्धा और तत्व ज्ञान में ये तत्व ज्ञान में अत्यंत निपुण होते हैं, कृष्ण तत्व ज्ञान में अत्यंत निपुण एक्सपर्ट होते हैं। यानी किसी भी प्रकार के भक्ति विरोधी सिद्धांत को वे खंडन करने में तथा उन सिद्धांत को भक्ति विरोधी सिद्धांत को खंडन करने में वे अत्यंत निपुण होते हैं। तत्व ज्ञान में वे महाभागवत उत्तम अधिकारी व्यक्ति एक्सपर्ट होते हैं। जबकि मध्यम अधिकारी व्यक्ति जो भक्त मध्यम अधिकारी भक्त वे उत्तम अधिकारी भक्त की जैसे ही श्रद्धावान है, पर कृष्ण तत्व विज्ञान में उत्तम अधिकारी भक्त की जैसे निपुण नहीं है, यह अंतर होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है जो उत्तम अधिकारी व्यक्ति जहारे देखिले मुखे आई से कृष्ण नाम है, जारे जिनको दर्शन मात्र से मुँह में हरिनाम कीर्तन करने लगते हैं व्यक्ति है, स्वत ही वो भगवान के नाम गाने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं। जहारे देखिले मुखे आई से कृष्ण नाम तहारे जानियो तुम्हें वैष्णव प्रधान। वो महाभागवत व्यक्ति है जिन्हें दर्शन मात्र से मुँह में कृष्ण नाम उच्चारित हो जाता है। तो यह महाभागवत अधिकारी का लक्षण गुण। श्रील रूप गोस्वामी जी महाभागवत के
लक्षणों का वर्णन करते हुए ये बताते हैं जो महाभागवत उत्तम अधिकारी व्यक्ति जो भगवान के शुद्ध भक्ति हैं प्राप्त एकांत भक्तिर गोविंदे इस श्लोक में बताया गया। एकांत भक्तिर गोविंदे अनन्य भक्ति गोविंद के प्रति भगवान श्री गोविंद के प्रति जिनकी अनन्य भक्ति है एकांत भक्ति है एकांत भक्तिर गोविंदे ऐसे अनन्य भक्ति प्राप्त महाभागवत उत्तम अधिकारी भक्त में भक्त के यानी अनन्य भक्ति की लक्षणों का वर्णन करते हुए यह बताते हैं कि जो भक्त ऐसे एकांत भक्तिर गोविंदे यानी भगवान गोविंद के प्रति जिनकी अनन्य भक्ति जिनको प्राप्त हो चुका है ऐसे अनन्य भक्ति वाले भक्तों के चार लक्षण है यानी शुद्ध भक्ति अनन्य भक्ति के जो छह लक्षणों का वर्णन किया भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में उनमें से एक है छह लक्षण क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृतादि जिसमें एक लक्षण रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं शुभदा। शुभ शब्द का अर्थ कल्याणकारी कल्याण शुभदा यानी कल्याण प्रदान करने वाले अनन्य भक्ति कल्याण प्रदान करने वाली। तो जो व्यक्ति भगवान के अनन्य भक्ति को प्राप्त करता है वे कल्याणकारी होते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी जी बताते हैं ऐसे अनन्य भक्ति के लक्षण शुभदा के लक्षणों को वर्णन करते हुए चार प्रकार से बताया गया है। रूप गोस्वामी जी वर्णन किए हैं जगत प्रीणम जगत अनुरक्तम सद्गुणों के विकास और सर्वतोभावे आनंद प्रदान करने वाला यानी एकांत भक्तिर गोविंदे। इस शब्द के अनुसार प्रह्लाद महाराज भगवान गोविंद के अनन्य भक्ति प्राप्त हुए थे इसीलिए ऐसे महाभागवत जिनमें यह चार लक्षण स्वाभाविक रूप से स्वतही उनमें विकसित हुआ है जिनमें से रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं जगत प्रीणम वे संपूर्ण जगत को जगत के प्रिय करने वाले कल्याण करने वाले जगत प्रीणम संपूर्ण संसार को प्रिय लगने वाला जगत प्रीणम जगत अनुरक्तम सारे संसार उनके प्रति अट्रैक्टेड आकर्षित होते हैं। यह अनन्य भक्ति के हाँ दूसरा लक्षण है अनन्य भक्ति के दूसरा लक्षण बता रहे हैं जगत अनुरक्तम सारे संसार संपूर्ण समस्त जीव उनके प्रति अट्रैक्टेड हो जाते हैं आकर्षित होते हैं। जगत अनुरक्तम सद्गुणों के विकास और जितने भी दिव्य गुण सद्गुण हैं वैष्णव में 26 गुणों का विकास होता है दिव्य गुणों का तो समस्त सद्गुणों का विकास होता है सद्गुणों के विकास और सर्वतः प्रकार से सभी प्रकार से आनंद प्रदान करने वाला। प्रह्लाद महाराज ऐसे एक महाभागवत थे जिनमें भक्ति के ये सारे लक्षण अनन्य भक्ति के सारे लक्षण उनमें विकसित था। तो नारद जी को यह पता था कि यह प्रह्लाद एक ऐसे एक महाभागवत जो माता के गर्भ में जो देवराज इंद्र को बता रहे हैं जो पूर्व श्लोकों में पूर्व पूर्व श्लोकों में आप लोग श्रवण करके आए हैं कि जिसमें इंद्र को बता देवराज इंद्र को बता रहे हैं नारद जी कि तुम इसे मारने के सक्षम नहीं हो सकते कोई इसे मार नहीं सकता क्यों क्योंकि ये परम भगवान गोविंद के अनन्य भक्त है के शरण इसे कोई तुम लोग कोई नहीं मार सकते इसको। यह बात नारद जी ने बताया देवराज इंद्र को अतः मैं इसे अपने आश्रम में ले जा रहा हूँ जब तक इनके पति वापस ना आ जाए। तो इस प्रकार भगवान जिनके
भगवान का अनन्य भक्ति जिन्हें प्राप्त होता है वे इसे कोई विनाश नहीं कर सकता। भगवद गीता में भी भगवान ने इस बात की पुष्टि किए हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्लोक के तात्पर्य में, महाभगवत प्रत्येक चल तथा अचल वस्तु को देखता है लेकिन वह उनके रूपों को ठीक उसी तरह नहीं देखता जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति देखते हैं। एक सामान्य व्यक्ति वस्तु का नज़र, सामान्य व्यक्ति का नज़र दृष्टिकोण उनके, चाहे वो व्यक्ति कोई ही हो, व्यक्ति की दृष्टिकोण उनकी चेतना पर आधारित होता है। जिसकी जैसी चेतना होता है उनका दृष्टिकोण उसी प्रकार होता है, उनके चेतना के धरातल के आधार पर। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं, एक लोभी व्यक्ति, उनका नज़र, उनके दृष्टिकोण हैं लोभ के आधार पर, यानी काम कामना पूर्ति के हैं आधार पर वो सारे चीज़ों को दिखता है और उसके अनुरूप उन वस्तुओं का वो उपयोग लेता है और उनकी व्यवहारिक दृष्टिकोण वैसा ही होता है। इसलिए व्यक्ति के चेतना के आधार पर उनका आचार आचरण दृष्टिकोण ये सब कुछ निर्भर करता है। एक कामी व्यक्ति हर वस्तु को कामना के दृष्टि से दिखते हैं, एक लोभी व्यक्ति हर चीज़ों को कमाई के रूप में दिखता है। वो हर कुछ हर की चीज़ दिखता है तो इससे मुझे क्या कमाई होगा, क्या लाभ प्राप्त होगा, उस नज़र से वो नापतोल करता है। तो व्यक्ति की चेतना के धरातल के अनुसार वे वस्तु का जांच करते हैं, नापतोल करते हैं, तो उनका दृष्टिकोण ऐसा होता है। प्रह्लाद महाराज महाभागवत होने के नाते जो संपूर्ण है पूर्णतया वे भौतिकता से मुक्त थे, तो इनके दृष्टिकोण सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण नहीं था, जो बात इस श्लोक में बताया गया है। तो इसीलिए सामान्य व्यक्ति का दृष्टिकोण वो व्यक्ति की चेतना के धरातल के आधार पर होता है। इस संबंध में यह एक कहानी आता है, जो एक लकड़ी के व्यापारी, जब उनके पुत्र ने एक संत के साथ, एक साधु के साथ तीर्थ दर्शन के लिए भेजा, यह कथा आप लोग सुने हैं, कौन कौन सुने हैं, बहुत से लोग सुने। एक व्यक्ति थे जिनका लकड़ी का व्यापार था, वे जीवन में बहुत मेहनत किए और अपने बच्चों को पुत्रों को पाल पोस करके बड़ा किया, उन्हें आप संसार जीवन में प्रतिष्ठित किया। जब वो वृद्ध अवस्था प्राप्त हुए तो उनके पुत्र ने देखा कि हमारे पिताजी हमारे लिए बहुत कष्ट उठाया, बहुत मेहनत किया, अब हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हमारे पिताजी को इस समय इनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो यह विचार करते हुए अपने पिताजी को एक साधु के साथ उन्हें तीर्थ दर्शन संसार के पवित्र स्थानों का दर्शन करने के लिए भेज दिए, और वह साधु उस व्यापारी को लेकर भारत के सभी मुख्य तीर्थ स्थानों को दर्शन करवाया, सभी स्थानों को दर्शन करवाने लगे, केदारनाथ बद्रीनाथ से लेकर उत्तराखंड के सारे तीर्थ स्थान को दर्शन करवाते हुए जब वे मथुरा वृंदावन आदि ये सब दर्शन करते करते जब वे काशी धाम में पहुँचे, वाराणसी काशी धाम में पहुँचे, तो काशी धाम में गंगा के तट पर जब आए तो वहाँ पर वो साधु ने हर स्थानों का गुणगान महिमा कीर्तन करवा रहे थे कि स्थान का महिमा बता रहे थे। तो जैसे ही वाराणसी काशी धाम में वो आ पहुँचे, वहाँ पर गंगा के तट पर बहुत से चिताएँ जलती हुई देखकर
वो व्यक्ति रोने लगे, वो रो पड़े। साधु ने देखा ये अचानक इसका क्या हो गया, इस काशी धाम में आके इनमें इनका कौन सा भाव का है परिवर्तन हो गया, कौन सी भाव में आ गई, ये रोने लगा। तो साधु ने पूछा, अच्छा आप एक बात बताइए, आपको मैं इतना स्थान दर्शन कराया, हर जगह का महिमा बताया, पर कहीं भी आपका चित्त का हृदय का कोई परिवर्तन मैंने नहीं देखा, और इस काशी धाम में आके आप रो रहे हैं, ऐसा क्या देख लिया आपने हाँ जिससे आप यहाँ पे आप में आपके चित्त का परिवर्तन हो गए और आप रो रहे हैं। तो वो व्यापारी ने कहा, पहले तुम एक बात बताओ, यहाँ पे हर रोज़ कितने चिताएँ जलती है? अरे बहुत से चिताएँ जलती है, इससे क्या हुआ? बोला नहीं, पहले ही बात बताओ, कितना चिताएँ हर रोज़ जलती है? अरे बहुत से चिताएँ जलती हैं, एक ख़त्म होता है दूसरा चढ़ जाता है, ऐसा चलता रहता है और पूरे गंगा के तट पर ही चल रहा है। भारत के बहुत से जगह से आके यहाँ पर हैं अंतिम संस्कार के लिए लाए जाते हैं। तब तो उनका रोना और बढ़ गया, वो अधिक हैं जोर शोर से रोने लगे हैं, और ऐसे सिर में कराघात करते, हाय 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 मैंने ये क्या कर दिया। साधु को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इसका क्या हो गया। तो जब थोड़ा वो शांत हुए तो उनसे पूछा, अब आप बताइए क्या हुआ, क्या है आपने? पहले तो साधु को लगा, चलो मेरे कम से कम इनका मेरा तीर्थ दर्शन करवाना है, मेरा सफल हुआ है, कम से कम काशी धाम में आके इनका चित्त का हृदय का परिवर्तन हुआ है, ये सोच के वो बहुत प्रसन्न थे। साधु ने बहुत खुश थे, प्रसन्न थे। जब उसे पूछा कि आप बताइए कि आप में ऐसा आपने क्या ऐसा क्या देख लिया और जिससे आपका चित्त में हृदय में ऐसे विचार आ गए, आप रो रहे हैं, रोने लगे, तो उन्हें कहा मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी। बोले क्या गलती किए? मैंने लकड़ी का बिजनेस यहाँ क्यों नहीं किया, मेरा बहुत बड़ा गलती हो गया। अगर मैं लकड़ी का बिजनेस यहाँ पर करता तो मेरा कितना हाँ पैसा, कितना लाभ होता। अब साधु को समझ आया कि ये क्यों रो रहा था, तो पहले वो गलत थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे, एक कामी व्यक्ति कामना के दृष्टि से, कमाई के दृष्टि से हर चीज़ों को दिखते हैं, है ना, जिसका जैसे दृष्टिकोण। तो चेतना, उनकी चेतना कैसे बिजनेस में भौतिक ऐसे इसी में है, कमाई की दृष्टि में। तो इसी प्रकार एक और छोटा सा एक कथा आता है, एक साधु और एक चोर, दो व्यक्ति, एक नदी था, नदी के दोनों तरफ दो व्यक्ति रहता था। नदी के दूसरे तट में गांव में एक चोर रहता था और इस तरफ के तट पर जो गांव थी उस गांव में एक साधु रहता था, उनका छोटा सा आश्रम था। अब हर रोज अर्ली मॉर्निंग हाँ सुबह सुबह दोनों ही नदी में नहाने आते थे। कभी चोर पहले आ जाता था नदी के घाट पर स्नान करने के लिए, तो कभी वो साधु पहले पहुंचता था, पर एक दूसरे का दर्शन हर रोज होता था, पर कोई किसी को नहीं जानता था। साधु सोचता था ये मुझसे बड़ा भक्त है, मेरे से भी पहले उठ जाता है और नहाने आ जाता है, ये मुझसे कितना हाँ स्ट्रॉन्ग साधक है, कितना अच्छा दृढ़ रूप से साधना करता है कि ये हर रोज अर्ली मॉर्निंग नहाने स्नान करने आ जाते हैं, मेरा तो कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी मिस हो जाता है, पर इसका कभी मिस होते हुए मतलब नहीं देखा कि चूक गया आ जाना, ऐसा छूट गया ऐसा नहीं होता है, ये मुझसे भी और अधिक हैं बड़े भक्त है। और इधर चोर ये साधु को हर रोज देखता था, ये सोचता था
मैं रात भर चोरी करने के लिए घूमता फिरता हूँ, जैसे लोगों का जागने का समय हो जाता है, वो स्नान करके करने का आ जाते, स्नान करके अपने घर में चला जाता था, तो उनका काम था रात भर चोरी करना, चोरी करने के लिए वो रात भर घूमता फिरता था, और साधु रात भर भजन करता था। तो वो चोर को, साधु चोर को ये उस दृष्टि से अपने चेतना के धरातल, उसके दृष्टिकोण से वो दिख रहा है, और चोर अपने दृष्टि चेतना के धरातल के अनुसार इसको विचार कर रहे हैं। अब चोर सोच रहा है, ये मुझसे बड़ा चोर है, हाँ ये मुझसे भी बड़ा चोर है, मैं तो कभी कभी थक जाता हूँ, टायर्ड हो जाता हूँ, चोरी करने नहीं निकलता हूँ, हाँ पर इनका कभी चुकता नहीं, मतलब ये मुझसे भी बड़ा चोर है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या एक दूसरे चीज़ों को इस प्रकार से नाप तोल करते हैं, वह उनके चेतना के आधार पर। तो प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवत, ऐसे उत्तम अधिकारी व्यक्ति, इनकी दृष्टिकोण हाँ कैसे हैं, प्रभुपाद जी बताया, ये हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित करते हैं, हर वस्तु व्यक्ति उनकी चेतना का धरातल। सामान्य व्यक्ति भौतिक संसार में अपने चेतना के धरातल के अनुसार उनके मन इंद्रियां को जो प्रिय लगता है, और चेतना के धरातल पर वो अपने हर वस्तुओं को नापतोल करके वो विचार करता है। जबकि एक महाभागवत व्यक्ति हर वस्तु को, हर चीज़ों को भगवान से संबंधित करते हैं। और ऐसा क्यों कर पाते हैं, इस संबंध में प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो जानते हैं है? गोविंद समस्त कारणों के परम कारण है, समस्त वस्तुओं का मूल स्रोत है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभव, मुझसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, अहम सर्वस्य मत्त सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, यह जानकर जो मेरी भजना करता है वो वास्तविक बुद्धिमान है। तो एक महाभागवत उत्तम अधिकारी व्यक्ति, उनकी भगवान में, भगवान के वाणी में तथा भगवान के भक्त में पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास होता है, किसी भी स्थिति में वे अपने इस विश्वास, उनकी वो विश्वास कभी शिथिल नहीं होता, कभी भी शिथिल नहीं होता, यानी फीकापन नहीं पड़ता। तो इसीलिए वो जानता है कि भगवान गोविंद, परम भगवान समस्त वस्तु का मूल उद्गम है, इसीलिए ये हर वस्तु को गोविंद से, भगवान से संबंधित दिखते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति, वे अपने इंद्रिय और मन की प्रियता और अप्रियता के आधार पर हर चीज़ों को विचार करता है, नापतोल करता है। यह एक सामान्य व्यक्ति और एक महाभागवत में है, उनके दृष्टिकोण में यह अंतर होता है। उनके मन को जो प्रिय लगता है, इंद्रियों को जो प्रिय लगता है, उन्हें वो एक्सेप्ट करता है, और अपने चेतना के धरातल पर है, भौतिकतावादी व्यक्ति अपने चेतना के धरातल पर उसको विचार करता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को वास्तविक जो मूल स्थिति है, जो पूर्व श्लोकों में नारद जी ने ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं, प्रत्येक जीवात्मा इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है जो प्रहलाद महाराज की स्थिति है, प्रभुपाद जी व्याख्या किए हैं। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी इस स्थिति को, प्रहलाद महाराज की जैसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। क्यों? वास्तव में जीव आत्मा का यही मूल स्थिति है, यही वास्तविक स्थिति है। क्या? प्रभुपाद जी ने इसके पूर्व एक श्लोक में बताया, शायद इसके पूर्व श्लोक में ही होंगे, कि कोई भी अच्युत गोत्र के अंतर्गत हो सकता है, कि जीव आत्मा भगवान का एक नाम है अच्युत, और हर जीवात्मा
इस अच्युत गोत्रों के अंतर्गत हो सकता है, जब वो ऐसे कृष्ण से हर चीज़ों को कृष्ण से संबंधित करेंगे। और इसके लिए जब व्यक्ति गुरु परंपरा में स्थित ऐसे प्रामाणिक गुरु से निर्देशना प्राप्त कर उनके गाइडेंस में निर्देशना में भगवान की प्रेममयी सेवा में नियोजित होता है, जब कोई जीवात्मा ऐसे भगवान की प्रेममयी सेवा में नियोजित होता है और उसमें वो स्थिर हो जाता है, स्थित हो जाता है। भगवद गीता में भगवान ने कहा कि ऐसी स्थिति जिस स्थिति को प्राप्त होने से यंग लब्धा च परम लाभम मन्नते न अधिकम तत यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचालते। यंग लब्धा च परम लाभम, जो स्थिति प्राप्त होने पर अन्य किसी दूसरा लाभ प्राप्ति के लिए और कोई शेष नहीं रहता। यंग लब्धा च अपरम लाभम मन्नते न अधिकम तत, और न ही उससे और कुछ अधिक लाभ प्राप्ति की इच्छा होता है, उससे कोई और अधिक लाभ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भारी से भारी दुख भी आ जाए जीवन में, भारी से भारी दुख में भी वो विचलित नहीं होता। प्रहलाद महाराज के जीवन चरित में हम ऐसे दिखते हैं, जो आगे चलकर वर्णन आएगा। चाहे जीवन में कैसा ही स्थिति क्यों ना हो जाए, वे इनके ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो भगवान नाम के जप में तथा भगवान में वो कभी उनमें इस विषय में वो शिथिल नहीं हुए। कितने ही बड़े से बड़े भारी दुख की स्थिति ही क्यों ना आ जाए, तो हर व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य यह होना चाहिए, पर इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयासी होना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट्स हो तो बताइए। जैसा कि आपने कहा कि सभी वस्तु की उद्गम भगवान श्री कृष्ण है, इसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किस प्रकार सभी वस्तु को सभी जीवों में जय भगवान कर सकते हैं? इसके लिए जैसे हमारी श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए शास्त्र ज्ञान की आवश्यक है। कृष्ण तत्व विज्ञान में जब जैसे जैसे कोई निपुण होते जाएगा तो कृष्ण से हर वस्तु को रिलेट करने में सक्षम होंगे। यानी कृष्ण तत्व विज्ञान जितना जितने कृष्ण तत्व विज्ञान में वो एक्सपर्ट होते जाएगा, वो ज्ञान जितना विकसित होते जाएंगे तो हर वस्तु को कृष्ण से वो रिलेट करने में सक्षम होंगे। तो इसलिए यही कहा जा रहा है कि एक तो दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, और दृढ़ श्रद्धा के लिए कृष्ण से संबंधित करने के लिए कृष्ण तत्व विज्ञान में एक्सपर्ट होना होगा। और यह कृष्ण तत्व विज्ञान में एक्सपर्ट होने के लिए जो हमारे पूर्व आचार्य रूप गोस्वामी का निर्देश है, भक्ति की विधि साधना भक्ति की विधियों का साधु संघ विशेष रूप से नियमित रूप से अधिक मात्रा में साधु संघ और शास्त्र अध्ययन, कृष्ण तत्व विज्ञान और प्रामाणिक गुरु के निर्देश के अनुसार भगवान की प्रेममय सेवा में नियोजित होना। तो इस प्रकार से जैसे जैसे कृष्ण तत्व विज्ञान में एक्सपर्टनेस आएगा तो कृष्ण से रिलेट करने में भी एक्सपर्ट होंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।